इंजन को ज़्यादा बार सेल्फ करने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या दिक्कत आ सकता है, सारा बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसा वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब में या फिर गूगल के किसी आर्टिकल में नहीं दिखने को मिलेगा। ये अभी तक का सबसे पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। तो हो सकता है आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता इन सारे चीज़ों के बारे में। मैं आपको सारा जितना चीज़ शेयर करूंगा इस वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा मैं पहले प्रोजेक्ट्स में वर्क कर चुका हूँ और जितने सारे प्रोजेक्ट में वर्क किया था उसमें हम लोग बहुत सारे इंजिन में काम किए थे और इंजिन के साथ अलग अलग तरीकों के टेस्टिंग करते रहते थे। तो उस टाइम पे सारे इंजिन थे फ्यूल इंजेक्टेड और आपको पता होगा फ्यूल इंजेक्टेड सारे इंजिन प्रोग्राम्ड होता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के कारण ऐसा टाइम आता था कि इंजन स्टार्ट भी नहीं होता था कभी कभी। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रैंक करना पड़ता था, मतलब सेल्फ करना पड़ता था, और जिससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, इंजन के बहुत सारे पार्ट्स हमें चेंज करने पड़े। तो जितना सारा एक्सपीरियंस है मेरा, जितना सारा चीज़ मुझे पता चला इन सब चीज़ों से, सिर्फ हमारा नहीं बहुत सारे अलग अलग जगह से मुझे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप लोग अगर आप आपके इंजन को ज़्यादा बार सेल्फ करोगे, किक मारोगे या फिर क्रैंक करोगे। तो सारा चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पूरा कंप्लीटली। इससे आपको भी पता चलेगा अगर आप आपके गाड़ी को ज़्यादा बार क्रैंक कर रहे हो तो आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूँ जितने सारे पॉइंट्स की बात करेंगे सारे पॉइंट्स अलग अलग इंजन टाइप्स के ऊपर वेरी हो सकता है। मतलब अगर आपका इंजन कम सीसी का है या फिर ज़्यादा सीसी का है, आपके इंजन का स्पेसिफिकेशन कम है या फिर आपके स्पेसिफिकेशन हाई ग्रेड के है, मतलब ज़्यादा है, तो उसमें चेंजेस आ सकता है, डिफर हो सकता है। वीडियो के आखिरी में वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंजन कैटेगरी में कौन सा चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अभी सीधा चलते पहला पॉइंट में। तो पॉइंट जितने भी अभी बात करेंगे, तीन पॉइंट जो पहली की बात करेंगे, ये बिल्कुल ही जेन्युइन है और हो सकता है आप लोगों को इसका आइडिया ज़रूर रहेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप आपके गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो नॉर्मली कंपनी रिकमेंड करता है कि आपके इंजन को आप ज़्यादा बार सेल्फ ना दबाओ। नॉर्मली क्या होता है, आप 5-5 सेकंड करके 5 बार या फिर 5-5 सेकंड करके 3 बार सेल्फ कीजिए, उसके बाद थोड़ा देर तक होल्ड रखिए सेल्फ ना करके, कि स्टार्टर मोटर थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर से सेल्फ करना शुरू कीजिए। तो ये कंपनी क्यों बोलती है और ये आपको आपकी बाइक का जो रेटिंग है जो कंपनी से दिया हुआ है वो मिल जाएगा सर्विस मैनुअल में या फिर ओनर्स मैनुअल में, वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ करने का फ़ायदा ये है, जब स्टार्टर मोटर में हम लोग सेल्फ मारते तो स्टार्टर मोटर क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है स्टार्टर मोटर, और जितना ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा स्टार्टर मोटर उतना ही हीटअप होगा, और ज़्यादा हीटअप होने से स्टार्टर मोटर का जो वाइंडिंग है वो जलने की चांसेस रहता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो स्टार्टर मोटर के साथ वायर लगा रहता है बैटरी के कनेक्शन में, उस वायर में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ होने के कारण वायर जलने का भी चांसेस रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखा है मैंने जहाँ पे वायर जल जाता है, मेरे साथ भी ऐसा चीज़ हुआ है। और साथ में हम लोगों ने जो इंजन में यूज़ किया था, हमारा इंजन था KTM 390, तो उसमें स्टार्टर मोटर भी हमने बहुत बार चेंज करना पड़ा, स्टार्टर मोटर की वाइंडिंग चेंज करना पड़ा। तो अभी बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, अगर इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा तो सारा करंट कहाँ से आ रहा है, सारा करंट आ रहा है बैटरी से। तो जितना ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा आपका बैटरी ड्रेन होता जाएगा, मतलब डिस्चार्ज होता जाएगा, और जितना जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होगा उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि बैटरी उतना ज़्यादा आपको पावर नहीं दे पाएगा कि स्टार्टर मोटर ये क्रैंक को घुमा पाए, और या फिर उतना स्पीड में क्रैंक को घुमा पाए कि आपकी इंजन स्टार्ट हो जाए। तब आपको हो सकता है धक्का मारना पड़ सकता है, बाइक के केस में अगर आपके साथ में कोई ना हो तब आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप पता कर लो आपका इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, 3-4 क्रैंक में स्टार्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पहले सोचिए किस कारण से नहीं स्टार्ट हो रहा। कभी कभी तो थोड़े छोटे छोटे गलतियाँ कर लेते हैं लोग, कुछ चीज़ें हो सकता है किल स्विच नहीं दबाया, कुछ कनेक्शन नहीं किया, बहुत सारे लोग अलग अलग सेफ्टी फीचर लगाते हैं गाड़ी में, तो उन सब चीज़ों के कारण से ये चीज़ होता है और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये तो होगी सबसे बेसिक पॉइंट्स। अभी थोड़ा इंजन के अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें खराब हो सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम बात करेंगे वो रिलेटेड है स्टार्टर मोटर से। तो अगर फोर्थ पॉइंट की तरफ जाए तो फोर्थ पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है स्टार्टर क्लच या फिर वन वे क्लच के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये पता होना पड़ेगा पहले स्टार्टर मोटर से जो कनेक्शन रहता है क्रैंक का वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले स्टार्टर मोटर रहता है, स्टार्टर मोटर में गियर्स लगा होता है, मतलब टीथ होता है उसमें। ये स्टार्टर मोटर कनेक्टेड रहता है एक बड़ा वाला
गियर से जो कनेक्टेड रहता है क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिंग रॉड होके पिस्टन में। तो यहाँ पे जब ये पावर ट्रांसमिट होता है, आपको पता है जब सेल्फ दे तो आप पावर ट्रांसमिट होता है क्रैंक शाफ्ट में, क्रैंक को घुमाता है। लेकिन जब इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाता है उस टाइम पे इंजन का क्रैंक स्टार्टर मोटर को नहीं घुमाता, क्योंकि अगर उस टाइम पे स्टार्टर मोटर को क्रैंक घुमाना शुरू कर देगा बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, और बैक ईएमएफ मतलब एक रिवर्स करंट क्रिएट होगा, क्योंकि स्टार्टर मोटर उस टाइम पे एक डायनामो जैसा वर्क करेगा, और डायनामो क्या करता है करंट प्रोड्यूस करता है, तो इससे आपका पूरा जो सर्किट है वो बिगड़ सकता है। इसी कारण से बीच में हम लोग लगाते हैं एक स्टार्टर क्लच, मोटरसाइकिल के केज में स्टार्टर क्लच लगा रहता है। अगर गाड़ी की बात करें फोर व्हीलर की जो इंजन है उसमें सोलेनोइड एक्चुएशन रहता है, तो उसमें स्टार्टर क्लच की बात नहीं आता। तो स्टार्टर क्लच, अगर मोटरसाइकिल की बात करें, स्टार्टर क्लच एक क्लच जैसा होता है, वन वे क्लच कहते हैं, मतलब एक साइड से पावर ट्रांसमिट करता है लेकिन दूसरे साइड से पावर इसमें ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन ये दिखने में आपके नॉर्मल क्लच जैसा नहीं होता। स्टार्टर क्लच में रोलर्स होता है, मेटालिक रोलर्स होता है, और एक स्प्रिंग से ये सारा एक्चुएटेड रहता है, मतलब साथ में कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। और जब भी पावर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मेटल मेटल में फ्रिक्शन होके ये पावर ट्रांसमिट करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन बन नहीं पाता और पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाता। तो अभी अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव क्रैंक करोगे तो ये जो फ्रिक्शन के वजह से जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसमें स्लिपेज होगा, और स्लिपेज के कारण ये ख़राब हो सकता है। और एक बार अगर स्टार्टर क्लच खराब हो गया, आप बहुत बार क्रैंक करने से और भी सारे चीज़ें खराब होने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस टाइम पे आपको स्टार्टर क्लच को रिप्लेस कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो कि जो स्टार्टर क्लच हमने खरीद के रिप्लेस कराया, इसका फोटो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा हो। तो यहाँ पे अभी तो स्टार्टर क्लच की बात हो गई, इसी से रिलेटेड और एक चीज़ है। अभी अगर फिफ्थ वन की बात करें तो उसमें मैंने लिख के रखा है वुडरफ की, तो वुडरफ की स्टार्टर क्लच के रिलेटेड ही है, मतलब स्टार्टर क्लच के आसपास ही जगह में रहता है। तो वुडरफ की कहाँ पे लगा होता है, जो मैंने अभी बोला जो गियर है जो लगा होता है क्रैंकशाफ्ट में, जिसको स्टार्टर मोटर घुमाता है, ये जो गियर है और ये जो शाफ्ट है इन दोनों का कनेक्शन नट बोल्ट से नहीं रहता। कुछ कुछ इंजन में हो सकता है नट बोल्ट से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा की स्लॉट रहता है और यहाँ पे एक हाफ सर्कुलर की लगा रहता है, और बहुत ही छोटा सा कॉन्टैक्ट पैच में कनेक्टेड रहता है इस गियर के साथ। तो आप सोच सकते हो इतना छोटा सा कनेक्शन देने का मतलब क्या है, क्योंकि कंपनी को पता है या फिर डिज़ाइन जब किया इंजन को उस टाइम पे पता है कि ये जो की है उतना ज़्यादा लोड लेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो क्रैंक घूमेगा, स्टार्टर मोटर तो नहीं घूमेगा। और क्रैंक बस ये जो मैग्नेट होता है जिसमें लगा रहता है ये जो बड़ा वाला आपका स्प्रॉकेट है वो उसको बस घुमाएगा, तो ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आपका अगर इंजन ख़राब हो, आप बहुत ज़्यादा क्रैंक कर रहे हो, उस टाइम पर क्या होगा, जो लोड है लोड ट्रांसफ़र होगा इस की में, और ये जो छोटा सा की है इसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो स्टार्टर मोटर है इंजन को घुमा रहा है, और इंजन का कंप्रेशन स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होता है, और इतना ज़्यादा पावर की वजह से ये कीप शेयर आउट हो जाएगा, मतलब घिस जाएगा पूरा ऊपर से, जिससे क्या होगा फ्री फ्लो हो जाएगा, मतलब फ्रीली ये मूव करता रहेगा, और उस टाइम पे आपको ये की चेंज कराना पड़ेगा। और ये चीज़ भी हम लोगों ने KTM के इंजन के साथ फेस किया है। अभी जो पॉइंट है सिक्स पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट रिलेटेड है ये मैंने जो पिछला दो पॉइंट बताया उससे, क्योंकि नॉर्मली जब स्टार्टर मोटर घुमाता है क्रैंक को उतना ज़्यादा पावर नहीं लगाता, भले ही कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा पावर लगता है लेकिन उतना ज़्यादा पावर नहीं लगता स्टार्टर मोटर जब घुमाता है, क्योंकि इंजन में जो हाई परफॉर्मेंस इंजन होता है, अभी तो जो नया लॉन्च हुआ था SP125 124cc का इंजन है शायद वो, उसमें भी ये चीज़ लगा हुआ है, और इसको कहते हैं डीकंप्रेशन लीवर। डीकंप्रेशन लीवर क्या करता है, एक छोटा सा लीवर टाइप का होता है ये, नॉर्मली जब क्रैंक करते हैं हम उस टाइम पे जो कंप्रेशन बनता है इंजन के अंदर उसको डिस्चार्ज कर जाता है, मतलब एग्जॉस्ट का जो वल्व है उसको थोड़ा सा ओपन कर जाता है, जिससे क्या होता है जो कंप्रेशन है वो सही से नहीं बन पाता और स्टार्टर मोटर क्रैंक को बहुत ही तेज़ी से घुमा पाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सेसिव क्रैंक करोगे तो डीकंप्रेशन लीवर जो एक्चुएट होता है, इस केस में यहां पे आप देख सकते हो डीकंप्रेशन लीवर कनेक्टेड है छोटा सा एक रोकर आर्म से, और रोकर आर्म और डीकंप्रेशन लीवर के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण घिस के इसका जो छोटा वाला पार्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, और डीकंप्रेशन लीवर अपना वर्किंग फंक्शन जो है वो बंद कर देता है, मतलब डीकंप्रेशन लीवर वर्क ही नहीं करता। और अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कभी आपके इंजन में, तब आपका इंजन जो स्टार्टर मोटर है उससे तो चल ही नहीं पाएगा, स्टार्टर मोटर में इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कंप्लीट कंप्रेशन एक्चुएशन करा रहा है। तो कंप्रेशन कराने के कारण स्टार्टर मोटर में लोड आएगा, स्टार्टर मोटर हीट अप होगा, इससे आपका वायर भी जल सकता है जो बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी डिस्चार्ज होगा, और साथ में आपका जो स्टार्टर क्लच है वो भी घिस जाएगा, और वुडरफ की भी ख़राब हो सकता है। तो सारा चीज़ रिलेटेड है, और सारा चीज़ स्टार्ट होता है आप कह सकते हो डीकंप्रेशन लीवर से, अगर आपके गाड़ी में डीकंप्रेशन लीवर हो तो। वैसे डीकंप्रेशन लीवर जिस गाड़ी में नहीं है उस गाड़ी में भी बाकी सारी चीज़ें हो सकता है,
लेकिन सारा चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और सारा चीज़ आपको हो गया। तो अभी मैं आपको एक आखिरी पॉइंट के बारे में बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एप्लीकेबल है बस पेट्रोल इंजन के केस में, क्योंकि ये रिलेटेड है स्पार्क प्लग से। तो हो सकता है आप कभी आपके इंजन को स्टार्ट कर रहे हो सुबह सुबह ठंड के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपका इंजन 2-3 बार क्रैंक करने से स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर आपका इंजन का प्रॉब्लम है रिलेटेड टू किसी और रीज़न, और आपका प्रॉब्लम नहीं है फ्यूल सप्लाई से, मतलब आप जब सेल्फ मार रहे हो या आप किक मार रहे हो आपका जो फ्यूल है वो इंजेक्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है स्पार्क में कोई दिक्कत है या किसी दूसरे कारण से आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उस टाइम को ये जो चीज़ अभी मैं बताऊंगा ये और भी ज़्यादा ख़राब बना देता है और वर्स कंडीशन में फेंक देता है। तो इससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा बार सेल्फ मारते हो तो आपका फ्यूल जो है पार्टिकल्स वो अंदर चला जाता है इंजन के अंदर, और स्पार्क प्लग का जो टिप है उसको गीला कर देता है, और जैसे ही वो गीला हो जाता है स्पार्क आपका सही से बन नहीं पाएगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और इस चीज़ को अगर आपको फिर से इंजन को स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ी देर इंजन को रख देना पड़ेगा जिससे ये जो फ्यूल है वो सूख जाए, या फिर आपको स्पार्क प्लग निकाल के उसको साफ करके फिर से लगाना पड़ेगा और दोबारा क्रैंक करके आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर एक बार गीला हो जाए तब तो आप भूल जाइए, इंजन स्टार्ट होने का चांसेस बहुत कम है क्रैंक से, हो सकता है आप धक्का मारोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो धक्का मारने से क्यों होगा, एक्चुअली धक्का मारने से जो करंट मिलता है वो ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मैग्नेट करंट जनरेट करता है बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है, जिसके कारण से धक्का मारने से कभी कभी जल्दी स्टार्ट हो जाता है गाड़ी। तो आप कभी भी ट्राई करके देखना, अगर आपके इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है नॉर्मल सेल्फ मारने से या किक मारने से, एक बार पुश स्टार्ट करके जरूर देखना। यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताया सारा इंटर रिलेटेड है, आपने देखा ही होगा, और सारा चीज़ एक साथ नहीं होता, धीरे 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 ये सब चीज़ें होता रहता है और एक बार में जाके धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकता है खराब, मैंने ये सब चीज़ें फेस किया इस कारण से आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये चीज़ मैंने देखा यूट्यूब में दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी आर्टिकल में मुझे मिला नहीं। तो हो सकता है पहली बार हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ज्यादा क्रैंक करने से, ज्यादा सेल्फ लगाने से या फिर किक मारने से इंजन में क्या क्या खराबी आ सकती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब भी करके जाना। बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।